यूं तो इंडिया गठबंधन ने लोकसभा में शानदार प्रदर्शन करते हुए यूपी में भाजपा को पछाड़ दिया, लेकिन महाराष्ट्र के महाविकास आघाड़ी में कुछ भी नहीं सही चल रहा है। जी हां, महाराष्ट्र में जहां आने वाले कुछ ही महीने विधानसभा के चुनाव है, वहीं सभी राजनीतिक दलों ने अपनी कमर कस ली है। ऐसे में चाहे महायुति हो या महाविकास आघाड़ी, सब में सीटों को लेकर खींचतानी चल रही है। सपा के एक वरिष्ठ नेता ने मुंबई में ऐसा बयान दे दिया है जिससे इसके संकेत मिल रहे हैं कि गठबंधन टूट भी सकता है। दरअसल महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए खींचतान शुरू हो गई है। महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अबू आजमी ने ऐसा बयान दे दिया जिससे हलचल बढ़ गई। उन्होंने न सिर्फ महाविकास आघाड़ी पर सीधा हमला बोला, बल्कि ये तक कह दिया कि और अगर उन्हें विधानसभा चुनाव में मनचाही सीटें नहीं मिली तो अकेले लड़ेंगे। महाराष्ट्र में साल अक्टूबर में विधानसभा चुनाव होने हैं। इससे पहले सभी सियासी दल जोड़ तोड़ और बुरा भाग में जुट गए हैं। इसी बीच समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र अध्यक्ष अबू आजमी अपनी ही सहयोगी गठबंधन एमवीए के खिलाफ आक्रामक नजर आए। आजमी ने कहा, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में हम महाविकास आघाड़ी से 10 सीटें मांगेंगे, वो सीटें भी हम खुद तय करेंगे। अगर हमारी बात नहीं मानी गई तो हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। महाविकास आघाड़ी पर हमला बोलते हुए आजमी ने कहा कि एमवीए ने भी कभी मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा नहीं उठाया। 5% जनसंख्या की बात कोई करता ही नहीं, इन्होंने भी मुस्लिम वोट की पूरी उम्मीद है, लेकिन ये आरक्षण की बात नहीं करते, हमें ये मंजूर नहीं है। इनको लगता है कि जुल्म ज्यादती होगी तो मुसलमान वोट दे ही देगा, लेकिन अब ऐसा नहीं है। हम अब इन्हें तब वोट देंगे जब वो लिख कर देंगे कि मुस्लिम आरक्षण इसकी नीति होगी। अबू आजमी ने कहा कि जब हमारी बात ही नहीं सुनी जाएगी तो उनको वोट क्यों दें? इस बार आप देखिए, मुसलमानों ने उनको भी वोट दिया जिसने कहा मैंने मस्जिद तोड़ी है। समाजवादी पार्टी की ओर से ये शर्त ऐसे समय में रखी गई है जब सब लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करने के बाद एमबीए के दल विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे हैं। अब देखने वाली बात है कि आने वाले समय में क्या सपा कांग्रेस एक साथ रहती है, कि इंडिया गठबंधन में गांठें फिर से खुलनी शुरू हो जाएंगी।